प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग इस दौरान मां भगवती के लिए व्रत रखते हैं। आप अगर पहली बार नवरात्रि में व्रत रखने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। प्रभात खबर इस खबर में बताने जा रहा है कि आप 9 दिनों तक आपको अपने खान पान का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको दिन भर एनर्जी मिलती रहे, शरीर में कमजोरी और सुस्ती भी ना लगे और आपका वजन भी ना बढ़े। व्रत के दौरान 9 दिनों तक आप अपना ब्रेकफास्ट हैवी करें। आप अगर हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे तो आप दिन भर ज़्यादा कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए रात में ही आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो दें, जिसे आप सुबह में ब्रेकफास्ट के रूप में ले सकते हैं। इसके साथ ही सेब और दूध का सेवन जरूर करें। इतना खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा, जिससे बार बार आपको भूख का एहसास नहीं होगा और आपको पूरे दिन कमजोरी और सुस्ती का एहसास भी नहीं होगा। दिन के खाने में कुछ हेल्दी खाएं, जैसे लंच में आप कुट्टू की पूरी की बजाय रोटी खाएं। रोटी के साथ ढेर सारी सब्जियां और दही भी लें। साबूदाने की खिचड़ी भी बेस्ट ऑप्शन होगी। खाने के बाद अगर चाहें तो ग्रीन टी पी सकते हैं। लंच करने से पहले आप एक ग्लास डिटॉक्स ड्रिंक लें, नींबू पानी, छाछ या नारियल पिए। इसके अलावा ग्रीन टी भी लिया जा सकता है। शाम के नाश्ते में आप भुने मखाने, भुने मूंगफली और अखरोट शामिल कर सकते हैं, इससे आपका पेट भी भरा रहेगा। लेकिन रात में आप अपना खाना बिल्कुल हल्का रखें, जैसे भुने हुए शकरकंद के साथ दही या फिर सब्जियों को उबाल कर खाएं, इससे आपका वजन कम होगा और सेहत भी दुरुस्त रहेगा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।